मेरी ज़िंदगी में दो कहानियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं मेरे लिए, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। दोनों में से एक कहानी मैं पहले सुना देता हूँ। उस कहानी का सार ये है कि एक लड़का होता है जो पढ़ा लिखा इंजीनियर लड़का होता है। मैंने उन कहानियों से अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव देखा है जी वो इसी के बाद से देखा है कि एक लड़का होता है जो एक लड़की से प्रेम करता है, इंजीनियर होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन उसका जो पिता होता है वो एक किसान होता है। तो जाके उसके पिताजी को कहता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। उसके पिताजी उसके सामने एक शर्त रखते हैं कि एक दरवाज़ा है, खेत में एक दरवाज़ा है, उसमें से एक एक करके एक बैल निकलेगा, एक गाय निकलेगी, तुमको उसकी पूँछ पकड़नी है। अच्छा, तो जब पहला बहुत बड़ा बैल सामने आता है तो उसको लगता है कि तो बहुत बड़ा है, इसको मैं कैसे पकड़ूँगा। तो कहता है कोई बात नहीं, तीन आएंगे, तीनों में से एक का भी पकड़ लिया तो अपना काम हो जाएगा। जब वो पहला निकल जाता है तो उसकी पूँछ छोड़ देता है, वो कहता है कि दूसरे में, लेकिन दूसरा जब देखता है तो दूसरा उससे भी बड़ा बैल आ जाता है। तो उसके पास वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन उसके पास सारा जान बचाने के लिए क्या कर सकता है आदमी, तो वो दूसरे भी बैल की पूँछ छोड़ देता है। अब वो तीसरे में सोचता है कि मेरा जी जान लगा दूंगा, पूरी हिम्मत से पूरी ताकत लगा के मैं इसका पूँछ पकड़ लूंगा चाहे मर जाऊँ, लेकिन प्यार के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन जब तीसरी बार दरवाज़ा खुला, उसमें से एक छोटा सा बछड़ा निकला, छोटा सा गाय का बच्चा। और वो जैसे ही, उसने कहा ये तो बहुत आसान काम हो गया, वो जैसे ही उसकी पूँछ पकड़ने लगा उसको पता लगा उसकी तो पूँछ ही नहीं है। इस कहानी से सीखने को मिला मुझे कि जिंदगी में अवसर आपको हर बार नहीं मिलेगा। क्या बात है, आपको जो अवसर मिल रहा है उसमें आपको कुछ ना कुछ काम करना। बहुत अच्छी कहानी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात, दूसरी एक और जो कहानी है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली, वो ये है कि एक बार एक आदमी था, उसके पास एक गधा था, उसको बहुत प्यारा था। तो किसी ने बोला कि इसको इतना प्यारा है, इसके लिए कुछ करो तुम, उसको खिलाता पिलाता था। तो उसने उसको एक रेस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया उसका, जिसमें घोड़े दौड़ रहे थे। अच्छा, तो चूँकि सबने उसके ऊपर हंसे कि ये क्या कर रहे हो तुम, जहाँ पे घोड़े दौड़ रहे हैं वहाँ पे गधों को दौड़ाओगे, आज अब घोड़ों की रेस में गधे दौड़ेंगे। तो उसने कहा कि हाँ मैं मेरे हिसाब से सब देख लूँगा। उसने उसकी वही ट्रेनिंग करवाई, उतना ही भगवाया, उतना ही दौड़ा, उतना ही खिलाया पिलाया। सारी मेहनत, जितनी मशक्क़त उस पर की जा सकती थी उस ट्रेनिंग के दौरान, वो सारी मेहनत मशक्क़त की। लेकिन किसी ने उसके ऊपर हंसते हुए कहा, और वो घोड़ा रेस में दौड़ा और हार भी गया। वो गधा रेस में दौड़ा और हार भी गया। लेकिन लोगों ने उससे पूछा कि हमने तो कहा था। उसने कहा मुझे पता था कि ये गधा जब घोड़ों की रेस में दौड़ेगा तो हार जाएगा, लेकिन ये गधा जब गधों के पास जाएगा तो उन गधों में सबसे सर्वश्रेष्ठ गधा होगा। क्या बात। तो मुझे समझ में आया कि आपको अगर कुछ बनना है तो वैसे लोगों के बीच में रहना होगा, और वैसी तालीम हासिल करनी होगी, वैसी मेहनत करनी होगी।